तो ये जो पैराडाइम है, ये जो बाउंड्री है, इसको जब आप तोड़ते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप स्टार्ट करते हैं जर्नी। और जो काम करने के लिए चलते हैं, मेहनत करते हैं, वो सब लोग पैसा कमाते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, लेकिन आप सब लोग पकड़ लीजिए, मेरे लिए नहीं है। ऐसा हर आदमी सोचता है, बोलते हैं ना पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुल्ली स्किल्ड लोग हैं, जो MA किए हैं, BA किए हैं, MBA किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई टेक्निकल चीजें किया है, उनको आजकल वो जॉब ढूंढना ही बंद कर दिए हैं। उनको लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको भी कोई क्लू देने वाला नहीं है, कोई ट्रेंड करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई कोच करने वाला नहीं है, कोई इंप्रेशन देने वाला नहीं है, कोई उनको जगाने वाला नहीं है, वो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। तो ये जो कंफर्ट जोन है, यहां से निकल के हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा। और जो काम करने के लिए चलते हैं, मेहनत करते हैं, वो सब लोग पैसा कमाते हैं, वो सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, 70% लोग अमूमन जहां हैं वहीं पे एक पैराडाइम बना लेते हैं। पैराडाइम का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे कुएं का मेंढक है, वो कुएं में रह के अपने आप को ये समझ लेता है कि मेरी दुनिया यही है। वैसे बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया है कि मेरी दुनिया यही है, अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर, अगर उसके उनके कंफर्ट जोन में आके कोई कुछ कहे तो उनको विश्वास होता नहीं, क्योंकि उनको कई सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। गरीबी का, एक आम आदमी के जीवन जीने का कई सालों का एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कोई आके झट से एक्सपीरियंस को तोड़ सकता है? नहीं। वो जब समझाता है तो बहुत सारे लोग अंदर से हंसते हैं और कहते हैं बेटा 10,000 की व्यवस्था नहीं हो रही और ये बता रहा है 5,00,000, ये जरूर कुछ गड़बड़ है मामला। आप अपने घर जाइए, अपने पिताजी से बोलिए मैं 5,00,000 कमाने वाला हूं, डंडा निकाल बोलेंगे गया कहां था, पहले ये बता दो कौन सा घटिया काम तू पकड़ लिया है। कोई विश्वास करेगा नहीं। क्यों? 5,00,000 कमाने वाले महीने के लोग नहीं है क्या? सर 50,00,000 कमाने वाले महीने के नहीं है क्या? तो जब हैं तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री बना लिया है कि बेटा हम यही हमारा जीवन है। क्लियर? वो बाउंड्री तोड़ेंगे तब देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये जो पैराडाइम है, ये जो बाउंड्री है, इसको जब आप तोड़ते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप स्टार्ट करते हैं जर्नी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद बीच रास्ते में थोड़ा बहुत कमा के वहीं फिर रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, वो पैसा कमाए थोड़ा बहुत, जैसे पैसा आया, कार और आई और सब थोड़ा ठीक ठाक हुआ, वो काम करना फिर बंद कर देते हैं, फिर वहां कंफर्ट जोन कर लेते हैं। मतलब यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति एक आम आदमी से ठीक ठाक है, लेकिन फिर वही अटके हैं, फिर वहां से वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वहां से फिर आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है मैं अब बड़ा आदमी बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं। मतलब जहां वो आगे बढ़ सकते थे, विकास कर सकते थे, वहीं रुक गए। अगर आपको सतत आगे बढ़ना है तो आपको रुकना नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री में लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि वो बीच में ही रुक गए। जैसे क्रिकेट की दुनिया में देख लीजिए, फिल्म की दुनिया में देख लीजिए, पॉलिटिक्स की दुनिया में देख लीजिए, किसी भी जॉब में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, कुछ लोग प्रोग्रेस करने के बाद वही रुक गए। लता मंगेशकर मरते तक गाना गाया, लेकिन बहुत सारे सिंगर हैं 2-4-6 गाने हिट होने के बाद वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो यहां पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रुकना मना है, चलते रहना है जब तक सांसें हैं। काम ही अपना आराम जो बनाते हैं, वो जीवन में खुद तो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों के दर्द को, तकलीफों को दूर करके वो अपने जीवन में एक मिसाल बन के जाते हैं,
जब तक जीते हैं तब तक याद किए जाते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल तक जीवन में लोगों के लिए यादगार बनते हैं।